हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस योर नेक्स्ट टॉपिक, सम इम्पॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड कुछ बेसिक से टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी या डेफिनेशन जो है वो एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं और ऑप्टिकल एक्टिविटी जो ये फिनोमिना है वो क्या चीज़ है। ये तो देखिए, जो कोई भी लाइट होती है, क्या होती है लाइट आपकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो होती हैं ना, तो हर डायरेक्शन में क्या कर जाती हैं, वो स्प्रेड कर जाती हैं, करती हैं स्प्रेड, फैल जाती हैं हर डायरेक्शन में, है ना। तो ये है आपके पास लाइट, ये सोर्स ऑफ लाइट मान लिया हमने कोई है, ठीक है, फैली हुई हैं हर डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये पढ़ा हुआ है हमने। इसको क्या करना है, आपने इन लाइट को पास करवाना है, आगे एक प्रिज्म रखना है, ठीक है। इस प्रिज्म को हम बोल सकते नाम देते हैं निकोल प्रिज्म, ठीक है। कौन सा प्रिज्म है ये, निकोल प्रिज्म बोलते हैं, ये प्रिज्म आपने यहाँ रखना है, ठीक है। इसके आगे तो क्या करेंगे, इसमें से ये जो लाइट है वो पास करवानी है आपने। तो जैसे ही ये लाइट पास होगी यहाँ से, मीन्स ये जो सोर्स ऑफ लाइट है जो हर डायरेक्शन में फैला हुआ है, स्प्रेडिंग है जिसकी हर डायरेक्शन में, जब ये प्रिज्म में से पास होगी तो इसको यूनि डायरेक्शन कर देगी, मतलब एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। इसको क्या करेगी, यूनि डायरेक्शन कर देगी, क्लियर। जैसे यहाँ से लाइट आ रही है तो ये आगे जाके इसकी डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, एक की साइड पे इसकी इस तरह से यूनिडायरेक्शन अरेंजमेंट हो जाएगी इसकी लाइट की। ये जो यूनिडायरेक्शन अरेंजमेंट ऑफ लाइट है दैट इज कॉल्ड द पीपीएल। पीपीएल मींस प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलेंगे, ठीक है। इस प्लेन पोलराइज लाइट के आगे आपने क्या करना है, यहाँ पे एक बीकर लेना है और उसके अंदर आपने क्या करना है, एक कंपाउंड जो है वो डालना है जिसमें चिरैलिटी हो, ठीक है, जिसमें कायरल सेंटर हो, कायरलिटी हो जिसमें, वो वाला आपने यहाँ पे कंपाउंड लेना है, ठीक है। कायरलिटी क्या होती है, कायरलिटी और कायरल कार्बन उसको बोलते हैं, ऐसे कार्बन जिसके साथ जो अटैच्ड आपके पास एटम मॉलिक्यूल्स होंगे, जो अदर इसके साथ जितने भी एलिमेंट्स अटैच होंगे, जो भी इसमें एटम अटैच्ड होंगे, वो चारों के चारों, कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है, तो वो चारों क्या होंगे आपके पास, डिफरेंट होंगे, ठीक है। वो सारे के सारे जो अटैचमेंट इसके साथ होंगे वो आपके पास क्या होंगे, सारे डिफरेंट होंगे, ठीक है। जैसे लैक्टिक एसिड है, 2-hydroxypropanoic एसिड है, तो ये जो सिंगल सिंगल बॉन्ड सारे बना रहे हैं, तो ये कार्बन कैसी होगी, जिसमें कायरलिटी होगी, पहले तो उसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगी, और सारे एटम जो हैं, चार के चार ये एटम जो इसके साथ अटैच्ड होंगे, ये चारों डिफरेंट होंगे। तो ऐसी कार्बन जिसमें sp3 जो हाइब्रिडाइज्ड होगी और चारों एटम जिसके जो इसके साथ अटैच्ड होंगे वो चारों डिफरेंट हों, उसको बोलते हैं कायरलिटी और कायरल कार्बन, ठीक है। उसको आगे मैं डिफाइन भी करूँगी। तो ये सॉल्यूशन में से आपने जो है एक कायरल कंपाउंड जो है वो डालना है, जिसका जो है कायरल सेंटर हो, ऐसा कंपाउंड आपने इसमें डालना है। वो क्या करेगा, जब ये लाइट जो है इस प्रिज्म में से पास हुई, उसको पीपीएल में कन्वर्ट किया, प्लेन पोलराइज लाइट है, सॉल्यूशन में से पास होगी, तो ये लाइट क्या होगी, वो दो डायरेक्शन में मूव करेगी, इक्वली तो नहीं करेगी, मतलब या तो वो क्लॉकवाइज मूव करेगी, ठीक है, या तो ऐसे क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी उसकी लाइट की, वो जो लाइट है या तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी आपके पास, या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब आइदर या तो वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दोनों में से एक डायरेक्शन में वो मूव करेगी, ये है आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, और ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर हुआ कि क्या चीज़ है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, निकोल प्रिज्म में से आप पास करवाएंगे, वो पीपीएल में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। प्लेन पोलराइज लाइट क्या है, मींस वो यूनि डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। जब वो सॉल्यूशन में से आप उसको पास करेंगे तो वो या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइट आपकी कन्वर्ट होगी, या फिर आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है उसमें वो कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर तो वो
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होती है, तो उसको आपने बोलना है डेक्सो रोटेटरी। उसको क्या बोलेंगे? डेक्सो रोटेटरी, और उसको आप प्लस डी के साइन के साथ लिखते हैं, ठीक। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होती है तो आपने उसको लिखना है लीवो रोटेटरी, ठीक है, और उसको आपने माइनस एल के साइन के साथ लिखना है। क्लियर? क्या बोला मैंने? टू टर्म्स आते हैं कि वट आर डेक्सो रोटेटरी, वट आर लीवो रोटेटरी। डेक्सो रोटेटरी वो होता है जिसमें आपकी जो लाइट है, प्लेन पोलराइज लाइट है, वो आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न हो जाती है, ठीक है, रोटेट हो जाएगी वो या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसको डेक्सो रोटेटरी बोलेंगे, और लीवो रोटेटरी बोलेंगे अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होती है, ठीक है। एल से याद रखेंगे, और हम इसको क्या बोलते हैं कि प्लेन पोलराइज लाइट अगर आपकी लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक है, अगर वो लेफ्ट साइड की तरफ जो है वो रोटेट करती है तो लीवो है, एल से लेफ्ट, और दूसरा आपका राइट साइड जो है, दूसरी आपकी कौन सी आ गई, जो राइट साइड है उसको आपने क्या बोलना है, डेक्सो रोटेटरी। तो अगर वो लेफ्ट साइड की तरफ रोटेट करती है तो उसको आप जो है लीवो रोटेटरी बोलेंगे। एल से याद रखेंगे, लेफ्ट हो गया लीवो रोटेटरी के लिए, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन्स वो राइट साइड की तरफ मूव करेगी, मीन्स डेक्सो रोटेटरी, उसको प्लस डी के साथ आपने जो है वो लिखना है। क्लियर? उसको प्लस डी के साइन के साथ, इसको माइनस एल के साइन के साथ, नेगेटिव एल लिखना है। क्लियर? तो ये फिनोमिना जो होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जो होते हैं जो इस तरह से प्लेन पोलराइज लाइट को या तो वो रोटेट करते हैं डेक्सो में या लीवो में, मीन्स या तो वो राइट साइड या लेफ्ट साइड, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं ऐसे सब्सटेंस को, और इस फिनोमिना को बोलते हैं, फिनोमिना इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्लियर हो गया मैंने क्या बोला ये? ठीक है, तो ये है आपके पास ऑप्टिकल एक्टिविटी, और ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस जो हैं वो क्या होते हैं। तो हमने ये दो चीज़ें, और इसमें क्या कवर हो गया आपका, डेक्सो रोटेटरी क्या है, क्लियर, लीवो रोटेटरी ये क्या है, चार टर्म्स जो हैं इसमें क्लियर हो जाते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कौन से होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, डेक्सो रोटेटरी क्या है, लीवो रोटेटरी क्या है। क्लियर? तो ये एग्जांपल्स जो हैं वो सॉरी ये जो क्वेश्चंस है वो आपको डायरेक्टली पूछे जाते हैं, डेफिनेशंस आती हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपके पास है इनेंशियोमर्स क्या होते हैं, ठीक है, इनेंशियोमर्स क्या है और इनेंशियोमरिज्म क्या होता है। तो नेक्स्ट टर्म लिखिए, इनेंशियोमर, इनेंशियोमर और इनेंशियोमरिज्म, टू टर्म्स ये हैं अब आपके पास, इनेंशियोमर क्या है, इनेंशियोमरिज्म क्या है। तो इनेंशियोमर क्या होते हैं, कि ऐसे स्टीरियोमर हैं रिलेटेड टू ईच अदर एज नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, जिनकी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इनेंशियोमर। मीन्स उनकी मिरर इमेज तो होनी चाहिए बट नॉन सुपर इम्पोजिबल हो। मिरर इमेज का मतलब क्या है, जैसे आप क्या देखते हैं, लेफ्ट हैंड जो है आपका मिरर में आप देखते हैं तो वो राइट लगता है, ठीक है, लेफ्ट साइड थंब जो है वो मिरर में कैसा राइट दिखेगा, राइट वाला आपका लेफ्ट दिखेगा। तो ये क्या है, मिरर इमेज है ना, मिरर में जैसी दिखनी चाहिए वो वाली इमेज जो है उसको मिरर इमेज बोलते हैं। लेकिन मिरर इमेज तो बोलता होनी चाहिए बट नॉन सुपर इम्पोजिबल होनी चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, इनेंशियोमर। सुपर इम्पोज का मतलब क्या होता है, जैसे मेरे पास ये हैंड है मेरा, अगर मैं इसके ऊपर अपना दूसरा हैंड रखूँगी तो क्या वो सुपर इम्पोज करेगा उसको, मतलब अगर पूरी तरह से वो उसको ढक लेगा अंगूठे के ऊपर, यहाँ पे थंब के ऊपर थंब आ जाए, फिंगर के ऊपर फिंगर आ जाए, तब तो वो हो गया सुपर इम्पोजिबल। अगर ये थंब के ऊपर मेरी स्मॉल ये वाली फिंगर जो है वो इसके ऊपर मैं दूसरा हाथ रखूँ, यहाँ पे फिंगर आए और इस फिंगर की जगह जो है वो मेरे पास थंब आए, ठीक है, तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा। क्लियर? तो ये चीज़ है, तो एग्जांपल लेके मैं इस चीज़ को आपको बता दूँ। मान लो मेरे पास ये कार्बन है, यहाँ पे मैं एक हाइड्रोजन अटैच करती हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक मैं ब्रोमीन अटैच कर देती हूँ और यहाँ CH3 ये अटैच कर देती हूँ, क्लियर, और फोर्थ जो है क्लोरीन अटैच कर दी मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक तो चारों एटम जो हैं वो आपके यहाँ पे जो अटैच हैं इसके साथ वो क्या हैं,
एक तो डिफरेंट है, तो ये कार्बन कैसी हुई? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हुई, सिंगल सिंगल बॉन्ड है सब में, और इसमें क्या है, कायरलिटी है, कायरल कार्बन बोलेंगे, क्योंकि इसमें जो 4 एटम अटैच्ड है वो सारे क्या हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट एटम अटैच्ड हैं। तो ऐसे कार्बन जिसके जो 4 के 4 एटम जो उसके साथ अटैच्ड होते हैं वो डिफरेंट हों, तो उसको हम बोलते हैं कायरल कार्बन, ठीक है, और उसको कायरालिटी बोलते हैं। कायरालिटी फिनोमिना क्या है ये, इसको बोलते हैं कायरालिटी। तो 2 टर्म आपकी ये क्लियर होगी। इसके साथ ही इनेंशियोमेरिज्म की हम बात कर रहे हैं, तो मान लो ये मेरे पास के ये कंपाउंड है। अब इसके हम मिरर इमेज देखते हैं, मैंने इस साइड देखी, इसकी इमेज मिरर में कैसा दिखेगा, ये मिरर में ये दिखेगा आपको कुछ इस तरह से। ये वाला जो CH3 है ऑब्वियसली वो आपको यहाँ दिखेगा, Cl आपको यहाँ दिखेगा और ब्रोमीन आपको यहाँ दिखेगा। अब मैं इसको उठा के अगर इसके ऊपर रखती हूँ क्या ये इसको सुपर इम्पोज करेगा? सुपर इम्पोज का मतलब है कि बिल्कुल इम्पोज कर जाए, बिल्कुल ढक ले इसको। अगर मैं ये उठा के पूरा इसके ऊपर रखूँगी तो ये CH3 इसके ऊपर आएगा, Cl इसके ऊपर आएगा और ये CH3 के ऊपर Br आएगा। तो ये सुपर इम्पोज हुआ? नो, ये नॉन सुपर इम्पोज हुआ, ये इसको कवर नहीं करेगा, क्योंकि Br के ऊपर क्या आ रहा है, CH3 आ रहा है और इस CH3 के ऊपर क्या आ रहा है, Br आ रहा है। तो ये कैसी इमेज हुई? ये हुई नॉन सुपर इम्पोजेबल, ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। कैसी हुई है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हुई, इसको हम बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, क्लियर। तो ये है आपके इनेंशियोमर, मतलब इनेंशियोमर उसको बोलते हैं जिनकी मिरर इमेजेस, तो ऐसे कंपाउंड जिनकी मिरर इमेज तो हो, जो मिरर में हमें अपनी उल्टी जो है उसकी वो पिक्चर तो दिखे, उसकी मिरर इमेज तो उसकी बन रही हो, बट वो नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, वो उसको इम्पोज ना करे, ठीक है। ये हुआ इनेंशियोमर, और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, इनेंशियोमरिज्म, इसको बोलते हैं इनेंशियोमर्स, और इसको फिनोमिना को क्या बोलते हैं, इनेंशियोमरिज्म, क्लियर। तो ये आपके हो गए यहाँ पे इनेंशियोमर, इनेंशियोमरिज्म।